me, my bag and my book are going to travel the world. और ये ऐसी वैसी जर्नी नहीं है. This is a journey of world food. You and I are going to travel the world one dish at a time. Come travel with me because I'm here to make you taste the world in 21 ways. There are a lot of good memories of Boston that I have, and the best food memory is the New England clam chowder. Chowder ek aisa soup hai jo peeta hai uska man moh leta hai, aapka bhi moh lega. We have sweet potatoes here which are peeled. So yahan pe main use kar raha hu premium Victorinox jiska handle Rosewood handle hai. Maze ki baat jante hain kya hai ki Rosewood jaati hai Hindustan se, uske baad ट्रीट होती है ताकि वाटरप्रूफ हो जाए, श्रिंकेज ना हो, और उसके बाद नाइफ के हैंडल में लगती है. हाउ कूल इज दैट? छोटे छोटे डाइसेस कर लेते हैं. लेट्स स्लाइस सम अनियंस एज वेल. और अनियन को हम स्लाइस करते हैं एक फोर्ज्ड नाइफ से. दीज आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ नाइफ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रीजन वाई दिस नाइफ इज समटाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन दिस नाइफ. दिस नाइफ इज फोर्ज्ड एज वन पीस स्टील. और ये जो नाइफ आप देख रहे हैं बिल्कुल एक जैसी थिकनेस है, बाद में आके पतला होता है. दिस इज मेड बाय स्टैम्पिंग, यानी कि एक स्टील की शीट रखी जाती है, उसको स्टैम्प करके काट दिया जाता है. अब अनियन को भी डाइस कर लेते हैं. हियर यू आर. व्हेन आई वाज इन द यूएस द बेस्ट क्लैम शाउडर द शाउडर दैट आई हैड वाज इन द स्टेट ऑफ मेन. और मेन में एक छोटा सा मॉम एंड पॉप टू सीटर टू टेबल या थ्री टेबल का रेस्टोरेंट था. एंड वाइल क्रॉसिंग बाय इट वाज राइट नेक्स्ट टू अ पोस्ट ऑफिस एंड यू वर श्योर टू मिस इट. एंड वी सैट डाउन एंड वी हैड द बेस्ट शाउडर एवर. एंड ट्रस्ट मी आवर हंगर हैड नथिंग टू डू विद इट. द फूड वाज वेरी टेस्टी. हियर गो द अनियंस. जहां तक इस कॉम्बिनेशन का सवाल है, कॉर्न और स्वीट पोटेटो के कॉम्बिनेशन का, एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है. दोनों में एक नेचुरल मिठास होती है, एक क्रंच होता है, और दोनों खट्टे मीठे फ्लेवर के साथ बहुत अच्छे जाते हैं. नाउ लेट्स ऐड द स्वीट पोटैटोस एंड द कॉर्न. सॉल्ट, वेजिटेबल स्टॉक, क्रश्ड ब्लैक पेपर, थोड़ा थाइम, एंड वी विल फिनिश दिस विद अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम. और अब इस सूप को करेंगे गाढ़ा. आपको दिखाता हूँ एक ट्रिक. ये क्रैकर्स हैं, कोई भी बिस्किट आप इस्तेमाल कर सकते हैं. न्यूट्रल फ्लेवर होना चाहिए. अरा रोट के बिस्किट जो मिलते हैं, इसको हम क्रश कर देंगे और क्रश करके सूप के अंदर डाल देंगे. ये देखिए सूप किस तरह बढ़िया गाढ़ा हो गया है. ट्रेडिशनली व्हेनेवर यू ईट अ शाउडर यू ऑलवेज स्प्रिंकल अ लॉट ऑफ crushed crackers on it. The idea is to give it a nice crunch, a nice contrast, that freshness that cleans the palate. Hindustani touch dena bahut zaruri hai kisi bhi soup ko, actually kisi bhi cheez ko Ranveer ke kitchen mein. Dhaniya, the soup is nice and creamy, ready to serve. Dekhiye, typical winter warmer soup hai. If you want you can just have it for a quick lunch with a little bit of bread. Now let's do it the American way. Lete hain crackers, iske upar dalte hain Hindustani touch. Here we are, we have chaat masala. Desi pan jo hai wo kahin na kahin nikal ke aa hi jata hai. Lal mirch dalni jo hai wo bahut zaruri hoti hai, nahi to kya na hum Hindustani ko khana hazam nahi hota. Here you are, mera priya mitra dhaniya. So like this soup brought back memories of the US for me. I hope when you make it, it brings back the memories of when I first showed you how to make it. Well, it is so much easier to make the world spin if you travel across the world and recreate those dishes, isn't it? There's a lot more cooking coming your way because we are here to taste the world in 21 ways. Aur agli baar bhi hum rehne wale hain अमेरिका में. यस, देयर इज वन मोर डिश फ्रॉम द यूएस येट टू कम. आई स्पेंड 7 इयर्स देयर. आई वांट यू टू टेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ माय लाइफ इन द यूएस.